तो कैसे हैं आप लोग? ओ, ये तो कैरी की तरह हो गया। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एक्सेल फॉर बिगनर्स। इस चैनल पे आपको मिलती हैं एक्सेल की अमेजिंग वीडियोस, जिससे आप एक्सेल सीख सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी ग्रो कर सकते हैं। और इस चैनल के साथ ही हमने शुरू किया था अपना एक्सेल क्लब, और वो एक्सेल क्लब बन चुका है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सेल क्लब, जहां पे आपको एक्सेल की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे हैक्स, इवन एक्सेल के नहीं कंप्यूटर यूज करने के बहुत सारे हैक्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर सकते हैं और बन सकते हैं स्मार्ट। तो वो एक्सेल क्लब आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर मेंबर बने उस एक्सेल क्लब के। क्या करना है आपने, सर? नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, आई बटन में एक्सेल क्लब का लिंक देखना और उसे सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से जाके, राइट? चलिए अब बात करते हैं सर इस चैनल की। इस चैनल को भी आपने इतना इतना प्यार दिया है, मेरे ख्याल से 4-5 वीडियोस और हम लोग सर 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोगों के लिए तालियां, राइट? तो 1,00,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं सर इस चैनल के, और इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि उतना ही प्यार दे, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेल के सबसे लेटेस्ट फंक्शन की। और काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है मैंने अभी ये, और इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इस टॉपिक पे हिंदी में अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो इस बात के लिए फिर से एक बार तालियां। कौन सा वो फंक्शन मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, लेकिन पहले वीडियो के लाइक टारगेट सेट करते सर लाइक्स की उम्मीद करता हूं सर मैं 3100 लाइक्स की, मुझे पूरी उम्मीद है सर आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। अगली वीडियो कब आएगी सर? अगली वीडियो जल्द ही लाऊंगा, प्लान कर लिया है, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल के सर 1,00,000 सब्सक्राइबर जो है जल्दी से पूरे करा दीजिए सबके साथ शेयर करके वीडियो को। तो सबसे पहले लाइक टारगेट अचीव करें, उसके बाद सर व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे भी हो सकता है उसको शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें कि आपको ये फंक्शन जो है वो कैसा लगा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं इस फंक्शन के बारे में। फंक्शन का नाम है Xlookup। यस, Xlookup। Xlookup सर Vlookup के पापा, Xlookup के दादा, इंडेक्स एंड मैच के बड़े भाई, Xlookup। यस, और एक बार सर ये फंक्शन आपने सीख लिया, आपका जीवन जो है ना, अगर आप सर एक्सेल यूजर हैं, आपका जीवन सफल है, आपका जीवन सर आधी से दुविधाओं से बाहर आ जाएगा, आपके मन से आ जाएगी कुन फाया कुन, आपको एक एक्सेल ऑर्गेज्म की प्राप्ति हो जाएगी सर, अगर आपने इस फंक्शन को जो है अच्छे से सीख लिया तो। एंड यू विल फील कि यार ये तो बहुत बढ़िया किया माइक्रोसॉफ्ट ने, 25-30 साल से चला आ रहा Vlookup सर अब ऑलमोस्ट डेड है सर, राइट? तो सर क्या कैसे काम करता है सर ये फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, और ये फंक्शन अवेलेबल किसके पास है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि एंड तक सर आप लोग वाकई में हैरान होने वाले हैं। ये फंक्शन सर अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर्स के पास अवेलेबल है, जो यूज कर रहे हैं इसका 365 वर्जन, यानी ऑफिस 365। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट 2016 यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा वर्जन यूज कर रहे हैं जो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है, तो उसमें अभी आपको फंक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट सर इसको लॉन्च करेगा आप सबके लिए भी, कुछ ना कुछ तो सर आपके लिए लेके आएगा ही, राइट? तो अब इस फंक्शन को अच्छे से समझिए, डिटेल में समझिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, अपना लैपटॉप साथ में लेके बैठिए और देखिएगा। मैं आपको Vlookup के साथ इसको कंपेयर करता रहूंगा कि Vlookup में क्या इश्यूज थे जो सर ये रिजॉल्व करता है। तो तैयार हो जाइए सर कुन फाया कुन के लिए, तैयार हो जाइए सर आत्मा की, परमात्मा से मिलन के लिए, तैयार हो जाइए सर मोक्ष की उपलब्धि के लिए, तैयार हो जाइए एक्सेल ऑर्गेज्म के लिए, क्योंकि अब सर हम लोग देखने जा रहे हैं Xlookup। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, नहीं तो भाई साहब मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, राइट? और एक्सेल क्लब को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वो क्लब सर वाकई में एक, मुझे नहीं पता था वो इतनी दूर तक जाएगा, इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वहां पे इतने सारे लोग हैं बहुत कुछ सीख रहे हैं और मैं भी उनसे कुछ ना कुछ सीख रहा हूं। वहां पे प्रोजेक्ट्स बना बना के लोग मुझे मेल करें सर देखो हमने ये बना डाला। चलिए सर थैंक यू वेरी मच, और अब जल्दी से शुरू करते हैं सर अपने Xlookup की वीडियो। चलिए अब जल्दी सर Xlookup के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए यहां पे जो है आपको थोड़ी सी थ्योरी नजर आ रही होगी इस समय Xlookup की, Xlookup का सबसे पहले तो मैं देखना फॉर्मूला क्या है। तो Xlookup सर बहुत सारे आर्गुमेंट्स यूज करता है, जिसमें से सारी जो है मैंने यहां पे नंबर वाइज लिख दिए हैं, राइट? और आप देखेंगे कि सर इसमें से कुछ जो है वो ऑप्शनल हैं और कुछ जो है वो सर आपके लिए मैंडेटरी हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं अभी क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। सबसे पहले तो लुकअप वैल्यू, आप क्या ढूंढ रहे हैं, लुकअप वैल्यू कहां पे ढूंढें, और लुकअप वैल्यू ये हो गया लुकअप अरे, या उसको एरे भी बोल सकते हैं, जैसे आप बोलना चाहें। देन आता है हमारे पास रिटर्न एरे, यानी कहाँ से आप डेटा उठा के लेके आना चाहते हैं, राइट? फिर आता है नॉट फाउंड, ये ऑप्शनल है, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। Vlookup को सर जो डिफीट किया गया है, Vlookup सर जो खत्म होगा वो सर ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। और नॉट फाउंड की वजह से आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, जो हमारा हैश एन ए वाला एरर आता था, अब आप उसको हटा सकते हैं, आप उसको हार्ड कोड कर सकते हैं, आप जो चाहेंगे वहाँ पर वो आएगा। पहले Vlookup में भी हम हटा सकते थे, लेकिन हमें जो है वो एक अलग से फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता था,
इफ एन ए करके, लेकिन अब वो यूज़ करने की जरूरत नहीं है, एक्स लुकअप में अपने आप वो एरर जो है हट जाएगा। नाउ कमिंग टू द मैच मोड, मैच मोड सर बहुत ही कमाल का है और मैच मोड में भी एक चेंज किया गया है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली जब करूँगा तो दिखाऊंगा। एंड देन सर्च मोड, तो आप देखेंगे लास्ट के तीन आर्ग्यूमेंट जो है हमारे ऑप्शनल चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एक्स लुकअप सीखते हैं और एक्स लुकअप के बेसिक्स के लिए हम लोग ये तीन चीज़ें देखेंगे, लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे एंड रिटर्न अरे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो है एडवांस होते जाएंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डेटा शीट है जो हमारे एक्सेल क्लब के मेंबर हैं उनको उससे डेटा हमेशा से पता ही होगा। मैं बहुत सारे डेटा, वैसे तो हमारा मेन डेटा इससे भी बड़ा है, लेकिन हम छोटे छोटे एक्सरसाइज करने के लिए अपना डेटा जो है वो मैनिपुलेट छोटा छोटा करते रहते हैं। आइए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वी लुकअप कैसे काम करता था। वी लुकअप की अगर मैं बात करूँ गाइज, तो आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते थे, वी लुकअप लिखने के बाद आप बोलते थे क्या वैल्यू ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीरज, एक एम्प्लॉय के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ और वी लुकअप में बोलता था कि मुझे ढूंढना है नीरज। अब वो कहाँ ढूंढना है, मुझे पूरी टेबल जो है वो सेलेक्ट करके देनी पड़ती थी कि भाई टेबल हमें मुझे जो है वो यहाँ पे ढूंढना है। अब देखिए एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती थी, क्या गड़बड़ हो जाती थी, देखिए अभी ये फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है। क्यों काम नहीं करने वाला है, कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे बता रही है नीरज की सैलरी, तो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे लूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, काम नहीं करेगा वी लुकअप, पक्का काम नहीं करेगा। और उसके बाद मैं उसके बाद जो है यहाँ पे जीरो मुझे डालना पड़ता था, क्योंकि अगर ट्रू रहेगा तो अप्रॉक्सीमेट मैच में जाता था और फॉल्स करने के लिए मुझे जीरो डालना पड़ता था। देखिए हैश एन ए, आप बता सकते हैं इसका कारण क्या है। वी लुकअप की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज, जो भी चीज़ आपको ढूंढनी है वो आपकी टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी ज़रूरी है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ठीक करने जाऊँ तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली अपनी टेबल को दोबारा से सिलेक्ट करूँगा। देखिए मैं लगाता हूँ वी लुकअप का फॉर्मूला दोबारा से और इस बार लुकअप वैल्यू मेरी होगी नीरज, और अब जो मैं टेबल सेलेक्ट करूँगा वो यहाँ से ही मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। अब ये काम जो है सही से करेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे 4 रखना पड़ेगा और उसके बाद मैं लाऊंगा 0 और मैं करूँगा एंटर। देखिए नीरज की सैलरी यहाँ पे आ गई। मैंने इस फॉर्मूले को इस तरीके से बनाया कि अब किसी भी इंप्लॉय का यहाँ पे नाम लिखेंगे तो यहाँ पे सैलरी जो है आपको नजर आ जाएगी। राइट, नाउ वी लुकअप के साथ जो दिक्कतें थी वो एक्स लुकअप ने खत्म कैसे करी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार के लिए। और काफ़ी सारे शॉर्टकट सर हम लोग अपने एक्सेल क्लब में सीखते रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो है आएंगे और वो चीज़ें जो है सीखेंगे। एनीवेज अब देखिए एक्स लुकअप कैसे काम करता है। इक्वल्स टू एक्स लुकअप, हमारे पास सबसे पहले लुकअप वैल्यू, मैंने नीरज को पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से नीरज और फिर लगाता हूँ मैं एक्स लुकअप। लुकअप देखिए सारे लुकअप काम यही करते हैं, आपको डेटा ढूंढ के लेके डेटा ढूंढ के ला के देते हैं। राइट, लेकिन अब काम करने का तरीका कितना अमेजिंग होंगे। लुकअप वैल्यू मुझे ही ढूंढना है ना, लुकअप अरे, ये देखिए सबसे पहली चीज़ आपको नीरज कहाँ ढूंढना है, मुझे सर यहाँ पर ढूंढना है। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, कोई टेबल सेलेक्ट नहीं करनी, आप रेंज सेलेक्ट कीजिए बस। फिर रिटर्न, जो आप रिटर्न चाहते हैं नीरज के नाम के आगे वो क्या चाहते हैं, मैं यहाँ से रिटर्न चाहता हूँ। वेरी सिंपल, क्योंकि मुझे भी और कुछ नहीं लगाना है, मैं चाहूँ तो कहीं पे क्लोज कर दूंगा और जैसे ही मैंने सर एंटर किया और यहाँ पे मेरा सर एक्स लुकअप का फॉर्मूला लग के मेरे पास जो है आंसर अपने आप प्यार से आ गया। अभी मैंने इसके साथ तीन ही आर्ग्यूमेंट आपको यूज़ करके दिखाया, एक्स लुकअप से भी आप डेटा सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या फ़ायदा है, मैं यहाँ पे सबसे पहले वी लुकअप का एक डिसएडवांटेज जो है वो क्या था, आपको टेबल सेलेक्ट करनी पड़ती थी और जो आप लोग की लुकअप वैल्यू होती थी वो टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना ज़रूरी होता था, वो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। नंबर टू, यहाँ पे आपको टेबल सेलेक्ट नहीं करनी, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट कर लेना है और उसी में से सर आपका डेटा उठ के आ जाएगा। नंबर थ्री, आपका जो ये एक्स लुकअप है सर ये राइट पे भी देख सकता है, ये देखिए कैन लुक राइट, कैन लुक राइट, और वी लुकअप सिर्फ सर क्या कर सकता था, वी लुकअप सर आपका लेफ्ट में ही देख सकता था। आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर मैं आपको सैलरी दे दूँ और सैलरी से बोलूँ कि एम्प्लॉय का नाम बताओ तो आप वी लुकअप यूज़ नहीं कर सकते। आपको मैं एम्प्लॉय का नाम दे रहा हूँ, आप सैलरी बता सकते हो वी लुकअप से, क्योंकि ये कैसे जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, क्योंकि ऐसे जा रहा है मित्रों। देखिए वी लुकअप आपका लेफ्ट टू राइट जाता था, वी लुकअप आपका राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकता था, जबकि एक्स लुकअप आपका कैसे भी जा सकता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब तरीके से सर वो चल सकता है। ये है एक्स लुकअप की सबसे बड़ी एडवांटेज। फिर से देखिए मैं जो एडवांटेजेस की बात करूँ, कैन लुक राइट, और उसके बाद एक दूसरी आपको अमेजिंग चीज़ बताता हूँ मैं एक्स लुकअप के बारे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा एक्स लुकअप के बारे में। दूसरी सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एग्जैक्ट मैच है। अब बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट मैच होने से क्या क्या फ़ायदा होता है, देखिए वी लुकअप में बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट मैच नहीं आता, मैं आपको दिखाता हूँ। वी लुकअप का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट करी, टेबल एरे मैंने सेलेक्ट करी, कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने सेलेक्ट किया, अब देखिए रेंज लुकअप जो आ रहा है
बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू होता है, यानी अप्रॉक्सीमेट मैच होता है. अप्रॉक्सीमेट मैच तभी काम करता है जब आपका डेटा पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्टेड होगा. अगर आपका डेटा सॉर्टेड नहीं है तो आपका अप्रॉक्सीमेट मैच काम नहीं करता, और मैं स्पेसिफिकली जीरो डालना पड़ता था तब जाके सर वो जो है हमें क्या ढूंढता था, एग्जैक्ट मैच ढूंढ के देता था. लेकिन वी लुकअप में आप देखिए, एक्स लुकअप में आप देखेंगे, एक्स लुकअप में मुझे सिर्फ और सिर्फ लुकअप वैल्यू डालनी है. उसके बाद मैंने लुकअप अरे सेलेक्ट किया, टेबल सेलेक्ट नहीं करनी है. रिटर्न अरे सेलेक्ट किया, ध्यान से देखिएगा जो बात मैं करने जा रहा हूँ. रिटर्न एरे सेलेक्ट किया, मुझे क्या सेलेक्ट नहीं करना, मैंने रिटर्न एरे सेलेक्ट कर लिया. मुझे क्या सेलेक्ट नहीं करने का है, मुझे सर कॉलम नंबर याद नहीं रखने का है, राइट. और उसका मुझे 0 1 कुछ नहीं लिखा, क्योंकि जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ बाय डिफॉल्ट ये क्या ले लेगा, बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच ले लेगा. अब आप एक चीज़ देखिएगा, मैंने यहाँ पे सर कॉलम रखा, मैंने इंसर्ट कर दिया. आप देखिए क्या गजब हो गया, जो मेरा वी लुकअप के थ्रू आंसर आ रहा था वो मेरा बदल चुका है. वो मेरा क्यों बदल चुका है, क्योंकि वी लुकअप में सर कॉलम बेस्ड काम हो रहा था, और जैसे ही मेरा कॉलम नंबर 4 जो मैंने चूज़ करा था, अब वो कॉलम नंबर 4 जो है मेरे टेबल के हिसाब से रीजन का हो गया. लेकिन आप देखेंगे जो मेरा एक्स लुकअप का आंसर था वो बिल्कुल सेम रहा, क्योंकि सर वो कॉलम पर बेस्ड नहीं था, उसमें मैंने रेंज सेलेक्ट कर रखी थी. तो यहाँ पर सर एक और एडवांटेज भी जो है यहाँ पर आपका निकल आ जाता है कि वो कॉलम नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए आप कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसका कोई फर्क जो है आपके आंसर पर नहीं पड़ने वाला, राइट. एंड बाय डिफॉल्ट इट इज व्हाट, एग्जैक्ट मैच. ये है सर एक्स लुकअप की कुछ खास बातें जो आपको भी बेसिक वाली वीडियो में मैंने जो है सिखा दी हैं. आई होप गाइज आपको ये जो चीज़ है ये समझने में मज़ा आ रहा है. अब सर इसका चौथा आर्ग्यूमेंट हम देखते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली ऐड किया है. इससे पहले जब एक्स लुकअप का इन्होंने एक बीटा वर्जन जब निकाला था, बीटा वर्जन जो सिर्फ ऑफिस इनसाइडर्स के पास था, तब ऐसा फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल नहीं था, तब मतलब वो आर्ग्यूमेंट अवेलेबल नहीं था. इसलिए आप कई वीडियोज़ देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको वहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट नज़र नहीं आएगा. एनीवेज मैं आपको वो आर्ग्यूमेंट का भी मकसद जो है वो समझा देता हूँ. मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ नीरज, और मैं यहाँ पर देता हूं एक्स लुकअप, राइट. और लुकअप वैल्यू सर मैं यहां पे डालूंगा, मैं यहां पे लिखता हूं एक्स लुकअप, और लुकअप वैल्यू मैं यहां पे डालूंगा नीरज. लुकअप अरे मैं डालूंगा यहां पे उठा के, और उसके बाद रिटर्न अरे मैं डालूंगा सैलरी से. और उसके बाद देखिए मेरे पास आ रहा है इफ़ नॉट फाउंड. सारा गेम सर इसी का है. इफ़ नॉट फाउंड के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने कोट्स ओपन करता हूँ, और कोट्स में जाके सर मैं लिख देता हूँ डेटा नॉट अवेलेबल, राइट. तो अब मुझे इफ़ एन ए का फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आपने अगर एक्सेल क्लब देखा तो मैंने आपको उसमें वी लुकअप के साथ बताया था कि आप इफ़ एन ए का फॉर्मूला यूज़ करके इस चीज़ को वी लुकअप के साथ भी कर सकते हैं. लेकिन अब हम क्यों करेंगे, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई. और उसके बाद बस मैं ब्रैकेट क्लोज करने वाला हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच ले लेता है. देखिए अब मैं ज़रा यहां पे जाके लिखता हूं विनय, और जैसे मैंने विनय लिखा, विनय आप देख रहे हैं सर मेरे डेटा में है ही नहीं. जब विनय मेरे डेटा में नहीं है नाम में, तो यहाँ पे इसने क्या दिखा दिया, डेटा नॉट अवेलेबल. तो नाउ दिस इज समथिंग अमेजिंग. आप अपने हैश एने वाले एरर से भी अपने आप को जो है बचा सकते हैं एक्स लुकअप की मदद से, राइट. सो यहाँ पे देखिए मैंने इसका एक और एडवांटेज लिखा होगा, एडवांटेज है भाई इसके. आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप इनबिल्ट इफ नॉट फाउंड है इसके अंदर, इनबिल्ट इफ नॉट फाउंड. सो राइट पे देख सकते हैं इनबिल्ट इफ नॉट फाउंड का फायदा उठा सकते हैं, कॉलम नंबर मैटर नहीं करता, डिलीट और ऐड कर सकते हैं नए कॉलम तब भी आपका आंसर नहीं चेंज होगा. बाय डिफॉल्ट इट इज गेटिंग व्हाट, कम ऑन एग्जैक्ट मैच, राइट. एंड इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग टेबल यू मे सेलेक्ट अ स्पेसिफिक रेंज. यस, आप सर सिर्फ एक रेंज सेलेक्ट करके सर उसमें से आंसर निकाल के लेके आ सकते हैं. और अप्रॉक्सीमेट मैच में भी आपको बता दूं मैं, आपको अप्रॉक्सीमेट मैच के केस में भी सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेट मैच का भी जो है एग्जाम्पल बना रखा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए पहले जो है हम इसकी सॉर्टिंग कर देते हैं ढंग से, ताकि जो है आपको मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 10 25 50, ठीक है. अभी देखिए इसकी सॉर्टिंग हो रखी है, और सर क्वांटिटी के बेस पे डिस्काउंट है. तो यहाँ पे सर हम लोग वी लुकअप यूज़ करते हैं. ज़रा वी लुकअप का फॉर्मूला मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे भी करना पड़ेगा मुझे, सॉरी 7 और 15, राइट. चल भाई 15 चाहिए बाबा. ओके, तो वी लुकअप का फॉर्मूले से मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे करते थे अप्रॉक्सीमेट मैच के केस में. लुकअप वैल्यू जो है सर मुझे देखनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको सेल बता देता हूँ, मेरी सेल है 34 यूनिट्स की, राइट. सो अब मैं वी लुकअप लगाता हूँ, यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ, लुकअप वैल्यू मुझे देखने 34. टेबल सर मैंने बता दिया कि भाई मेरी टेबल जो है ये वाली है. उसके बाद मैंने बोला कि सर कॉलम इंडेक्स नंबर 2 में से आप मुझे डिस्काउंट बताओ. और अब क्योंकि वी लुकअप में मैं अप्रॉक्सीमेट मैच लगा रहा हूँ, तो मैं सीधा ब्रैकेट क्लोज कर सकता हूँ, और ये मुझे बता देगा कि कितना डिस्काउंट जो वो मिलने वाला है, राइट. सो मैं इसका जल्दी से जो एक बार फॉर्मेट जस्ट आपको दिखाने के लिए चेंज कर देता हूँ. तो 34 यूनिट्स पे आपको जो है 15 का डिस्काउंट मिलेगा. और ये चीज़ मैंने कैसे करी है, वी लुकअप के फॉर्मूला से. अब सेम काम मैं करना चाहता हूँ एक्स लुकअप के फॉर्मूला से. तो देखिए क्या होने वाला है,
सेम काम अगर मैं करना चाहता हूँ एक्स लुकअप के फॉर्मूला से, मैंने बोला 34 यूनिट्स हैं, मैंने यहाँ पर जो है एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगा दिया, लुकअप वैल्यू मुझे ढूंढनी है क्या 34, ध्यान से देखते जाइएगा, लुकअप अरे यहाँ पे देखेंगे सर हम लोग, और उसके बाद जो है रिटर्न अरे जो है मुझे यहाँ से चाहिए, इफ़ नॉट फाउंड सर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैच मोड देखिए आपके पास खुल गया है, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, मैं एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम के लिए जाऊँगा, क्योंकि क्या होगा मैं देखना चाहता हूँ 34 की सेल हुई है तो मैं कौन से कैटेगरी में फॉल करूँगा, तो भाई मैं एग्जैक्ट मैच या तो 34 मिल जाए या उससे कम वाला मिल जाए, तो मैंने -1 यहाँ पर लगा दिया। अब -1 लगाने के बाद अभी सर्च मोड में नहीं जाता हूँ, मैं सीधे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और देखिए यहाँ पर भी जो आंसर है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर भी आंसर आ रहा है 15%, मैं इसको शॉर्टकट से भी चेंज कर सकता हूँ बट अभी मैं शॉर्टकट के लिए नहीं जा रहा, यहाँ पर भी आंसर आ रहा है 15%। लेकिन अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको उठा के जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, उप्स मैंने इसको उठा के जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, हो जा भाई ये तो कॉपी पेस्ट कर रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको भी मैनुअली करके दिखा देता हूँ, 25 15, माउस की खराबी, और यहाँ पे कर दिया मैंने 10 7। अब आप देखिए क्या गड़बड़ होने वाली है, लीजिए सर अब आप देखिए ये वीलुकअप का आंसर था, वीलुकअप का आंसर आपको गलत बता रहा है और एक्स लुकअप का आंसर जो है आपका सही बता रहा है। हाँ जी बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं, क्यों वीलुकअप में गलत बता रहा है, क्योंकि वीलुकअप में जब भी आप अप्रॉक्सीमेट मैच करते थे तो आपका डेटा सॉर्टेड होना चाहिए था, लेकिन एक्स लुकअप में सर सॉर्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप अप्रॉक्सीमेट मैच कर रहे हैं। ये देखिए सर फिर से इसका एक एडवांटेज मैंने यहाँ पर लिखा है, नो सॉर्टिंग रिक्वायर्ड फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच, लेट मी टेल यू अगेन, नो सॉर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच। लीजिए सर तो ये है सर हमारे पास वी लुकअप के ऊपर कुछ फ़ायदे एक्स लुकअप के, और एक्स लुकअप सर जिंदगी तो बदलेगा ही बदलेगा बहुत सारे लोगों की। एक बार सर एक्स लुकअप जब जनरल पब्लिक के पास आ जाएगा, यानी कि जो ऑफिस पैकेज यूजर्स हैं उनके पास आ जाएगा, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करने वाला है। और अभी मैं सर आपको एक्स लुकअप में टू वे लुकअप भी सिखाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, कि वो कैसे काम करता है। टू वे लुकअप सीखेंगे सर, इससे पहले हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि एक्स लुकअप में मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे आप ढूंढ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटा सा डेटा आप लोगों के लिए जो है तैयार कर दिया है, यहाँ पर सर एम्प्लॉई कोड है, फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉई कोड लिख देता हूँ NAC001। अब सर मैं क्या करना चाहता हूँ, इस एम्प्लॉई का फर्स्ट नेम लास्ट नेम रीजन और सैलरी जानना चाहता हूँ इस वाली टेबल से, तो मैं एक्स लुकअप लगाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने एक्स लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू मुझे चाहिए सर ये, और ये लुकअप वैल्यू मुझे कहाँ ढूंढनी है, इस एरे में ढूंढनी है, और इस एरे के बाद मुझे जो रिटर्न अरे चाहिए वो सर देखिए मैंने इस बार रिटर्न अरे एक कॉलम सेलेक्ट ना करके मैंने जो जो डेटा मुझे चाहिए मैंने वो सेलेक्ट कर डाला है, और मैं सिंपली ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ये एग्जैक्ट मैच मोड में अपने आप चला जाएगा। और देखिए एंटर प्रेस करते ही क्या हुआ, मैंने फॉर्मूला सिर्फ एक सेल में लगाया, बाकी मुझे कहीं पर भी जो है फॉर्मूला ना लगाने की कोशिश ना लगानी पड़ा और ना ही मुझे कॉपी करना पड़ा। अब ध्यान से देखेंगे जब मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो इस फॉर्मूला बार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रेड आउट जो है आपको फॉर्मूला दिखता है, बेसिकली अब इस फॉर्मूला को यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, आपको चेंज करना तो यहीं से चेंज वो होगा, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली जो है आपको फिगर्स उठा के दिए हैं। सो ये है सर एक्स लुकअप की मल्टीपल वैल्यूज निकालने का एक तरीका, जो शायद मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा कि मल्टीपल वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। सो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 9th एडवांटेज, मल्टीपल वैल्यूज ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ एक्स लुकअप, राइट, बेसिकली इसे फॉर्मूला स्पेलिंग भी बोलते हैं, स्पिल कर देना या जो भी माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल वर्ड यूज़ करना चाहता है, राइट। लीजिए अच्छा तो हम लोग सर काफ़ी सारी चीज़ें एक्स लुकअप के बारे में सीख चुके हैं, आई होप आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो को भी कहीं मत जाइएगा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको और सिखानी है, डोंट वरी एट ऑल। और देखिए वो डेटा जो मैं कर रहा था अभी मैंने माउस जल्दी से चेंज किया, कर्सर आ गया, इस कर्सर को उठा के वैसे करेंगे तो अपने आप जो है वो दो सेल्स ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं बहुत आसानी से। मैंने इतने वीडियो जो बीच में रोकी थी तो मैंने इसमें अपना माउस जो है वो चेंज कर दिया। चलिए तो अब सीखते हैं सर एक्स लुकअप की और नई बातें कि क्या क्या चीज़ें जो है माइक्रोसॉफ्ट ने और इंट्रोड्यूस करी हैं इस नए रामबाण टूल के अंदर। आइए एक और एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से एक्स लुकअप की, जिसमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एक हमारे पास सर डेटा बेस है जहां पे बच्चे हैं, बच्चों के 3 सब्जेक्ट्स हैं और 3 सब्जेक्ट्स में बच्चों के मार्क्स हैं, 4 बच्चे हैं 3 सब्जेक्ट हैं, सबके मार्क्स यहां पे लिखे हुए हैं, राइट। अब हमें ए के मार्क्स ढूंढने तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सर पता करना पड़ेगा ए के जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं इनकम टैक्स, राइट, इनकम टैक्स के उसके कितने मार्क्स में पता करना चाहता हूँ। तो वेरी सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक्स लुकअप का यूज़ कर सकता हूँ, एक्स लुकअप में क्या करूँगा, लुकअप वैल्यू, मुझे ए के मार्क्स ढूंढने हैं, कहाँ से उठाऊंगा ए के मार्क्स, यहाँ से उठाऊंगा ए के मार्क्स, रिटर्न अरे क्योंकि मुझे इनकम टैक्स में मार्क्स चाहिए तो मैं यहाँ से उठा लूँगा उसके मार्क्स, और उसके बाद जो है मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, अपने आप एग्जैक्ट मैच लग जाएगा, 83 आ जाएगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अभी तक जो हमने सीख लिया एक तरह से उसकी रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। मैं अगर इसमें ऐसे कर देता,
एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में मैं डाल देता मैं ए के मार्क्स चाहिए मुझे, ए के मार्क्स चाहिए मुझे कहाँ से चाहिए, मुझे ए के मार्क्स ए कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और ए के मार्क्स जो है मुझे, मैंने देखिए अब क्या किया, आपने नोटिस किया मैंने क्या किया, ये देखिए फॉर्मूला स्पिल कर दिया, और सिर्फ इनकम टैक्स के ही नहीं, मुझे यहाँ पे ऑडिटिंग के और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी मार्क्स मिल रहे हैं, ऑल्दो मैंने उनकी हेडिंग जो है वो नहीं बनाई है। तो ये तो हो गया सर सिंपल सर्च करने का तरीका हमारा। आप देखेंगे ध्यान से, मैं इसमें जाके जो है डिलीट भी नहीं कर पा रहा हूँ इसको, राइट, बिकॉज ऑफ व्हाट फॉर्मूला, यू कैन नॉट डिलीट दीज सेल्स, याद रखिएगा। देखिए मैं बार बार डिलीट बटन दबा रहा हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे अपना फॉर्मूला ही जो है वो चेंज करना पड़ेगा। दोबारा से एक्स लुकअप में जाता हूँ, लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, एंड देन हमारा रिटर्न अरे, एंड दैट्स इट। लीजिए अब फॉर्मूला सर मेरा जो है बिल्कुल सही लग गया। अब क्या मज़ा आए, देखिए मैंने इसको डायनेमिक बनाया है। डायनेमिक कैसे बनाया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, ये इसने बी के मार्क्स बता दिए, मैंने लिखा सी, सी के मार्क्स बता दिए। अब क्या है, मैं चाहता हूँ सर यहाँ पे भी मैं जब मैं सब्जेक्ट भी चेंज करूँ तो अपने आप जो है सर वो नंबर भी चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा है सर, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है, मैंने अभी यहाँ पे जो है सी के हिसाब से तो फॉर्मूला सही लगाया, मैंने लुकअप वैल्यू में इसको डाल दिया था, लेकिन मेरे सब्जेक्ट चेंज करने से मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एसएम लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक तो मैंने उसको फॉर्मूले में यूज़ नहीं किया, प्लस पहले ये पॉसिबल नहीं था। अब सर यहाँ पे जो है मैं टू वे लुकअप लगाने वाला हूँ, यानी मेरा लुकअप जो है इन दोनों फैक्टर को देखेगा, सबसे पहले नेम को भी देखेगा और इनकम टैक्स को भी देखेगा और अकॉर्डिंगली मार्क्स बताएगा, यानी नेम को भी देखेगा, सब्जेक्ट को भी देखेगा और अकॉर्डिंगली मार्क्स बताएगा। ये सर एक्स लुकअप में पॉसिबिलिटी है, नेस्टेड एक्स लुकअप के फॉर्मूला से आप ये काम जो है कर सकते हैं। नेस्टेड एक्स लुकअप क्या है, यानी एक्स लुकअप के अंदर एक्स लुकअप, एक्स लुकअप के अंदर एक्स लुकअप फॉर्मूला लगा के आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो है दो क्राइटेरिया के बेसिस पे लुकअप लगा सकते हैं, यानी आप सब्जेक्ट और नाम देख के यहाँ पे बताएंगे। अभी आप सिर्फ नाम देख के और एक सब्जेक्ट का आप आंसर यहाँ पे बता रहे हैं, फिर मैं ये इसे भी डायनेमिक कर दूंगा और सर ये तो मेरा डायनेमिक है ही, और यहाँ पे सर आंसर जो है अपने आप मेरा आ जाएगा। अब हम वो पॉसिबिलिटी देखने जा रहे हैं, आइए तो अब देखते हैं सर वो अपना टू वे वी लुक, टू वे एक्स लुकअप जो है वो कैसे काम करने वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाता हूँ। देखिए कैसे, एक्स लुकअप के फॉर्मूला में मैं लुकअप वैल्यू सी ही रखूंगा, और साथ में मैं क्या करने वाला हूँ, लुकअप अरे मैं कहूँगा जी मुझे तो सारे के सारे जो है वो मार्क्स चाहिए, लुकअप अरे के लिए मैं क्या करूँगा, सारे नेम सेलेक्ट कर लूँगा। देन उसके बाद रिटर्न अरे में मैं बोलूँगा भाई मुझे तो ये पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, हमने पहले भी किया था, बट डोंट वरी एट ऑल, मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, इसको मैं बंद करके जैसे एंटर करता हूँ फिर हमारे पास सर डेटा जो है स्पेल होकर यहाँ पर सारे मार्क्स आ जाएंगे। बट अब देखिएगा ध्यान से, मैंने फॉर्मूला बार से जाके सर इसको जो है अपना कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर दूँगा डिलीट। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये है बड़े काम की चीज़, एक्स लुकअप, और अब मैं लुकअप वैल्यू क्या रखूँगा अपनी, लुकअप वैल्यू रखूँगा मैं यहाँ से अपना सब्जेक्ट, ओके, और इस लुकअप वैल्यू को रखते हुए मैं लुकअप अरे क्या रखूँगा, मुझे ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, और रिटर्न अरे रखते समय, रिटर्न अरे रखते समय मैं अपना वो पुराना फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखिए अब क्या जादू होने वाला है, एक्स लुकअप के अंदर मैंने एक्स लुकअप लगा दिया है, और इससे क्या होगा, मैंने अपने सब्जेक्ट को भी जो है डायनेमिक बना दिया है। आप अगर ध्यान से इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करें तो ये क्या कह रहा है, इस समय ये एक्स लुकअप का फॉर्मूला बोल रहा है कि ये सब्जेक्ट ढूंढो, इनकम टैक्स ठीक है जी ढूंढ लेंगे जाके हम लोग, और सब्जेक्ट ढूंढने के बाद क्या करना, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद स्टूडेंट के नाम के हिसाब से उसके उसी सब्जेक्ट के मार्क्स बता देना। पहले तो सब्जेक्ट ढूंढो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ढूंढ लेगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट का नाम ढूंढेगा, स्टूडेंट के नाम के आगे जो उस सब्जेक्ट में जो हमने सब्जेक्ट ढूंढा है वो मार्क्स ये बता देगा। और लीजिए मैं कर देता हूँ उसको क्लोज और एंटर कर देता हूँ, अब देखिए क्या जादू होने वाला है। तो यहाँ पे था इनकम टैक्स, मैं कर देता हूँ एसएम, और ये दीजिए 76, सी के एसएम सब्जेक्ट में जो है मार्क्स कितने आए थे 76, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी, तो लीजिए सर बी के एसएम में कितने मार्क्स थे 67, लेकिन बी के अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑडिटिंग, तो बी के ऑडिटिंग में कितने मार्क्स थे 89, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, जरूर एडी 91 से पढ़ा होगा। एनीवेज तो ये थे सर हमारे टू वे एक्स लुकअप, आई होप आपको ये टू वे एक्स लुकअप भी जो है वो समझ आया। तो बेसिक्स देख लिया, अप्रॉक्सीमेट मैच देख लिया, मल्टीपल वैल्यूज देख लिया, और हमने टू वे एक्स लुकअप लगाना भी जो है वो सीख लिया है। आइए तो जल्दी से देख लेते सर, अब हमारे पास जो है एक और फंक्शन एक्स लुकअप का, और वो सर एच लुकअप को भी रिप्लेस कर देगा, बस मैं यही बताना चाहता हूँ। वैसे आपको इसका अंदाजा लग गया होगा, बट फिर मैं आपको एक बार जो है करके दिखा देता हूँ। तो आपका वी लुकअप, इंडेक्स मैच, एच लुकअप, ये सब जो सर बेकार होने वाले हैं, तो मैं बोलता हूँ सर पापा हैं, पापा पापा किसके पापा, वी लुकअप के पापा, एच लुकअप के पापा, इंडेक्स मैच के पापा। तो एच लुकअप में क्या होता है सर, हमारा डेटा बस सर हॉरिजॉन्टली जो है हमें ढूंढना होता है, तो लीजिए सर हम हॉरिजॉन्टली ढूंढ लेते हैं। बस आपको बेस पता होना चाहिए फॉर्मूले का, लुकअप वैल्यू मुझे इस बच्चे के मार्क्स ढूंढने हैं,
इस बच्चे के मार्क्स ढूंढने हैं, सर बच्चा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इस बच्चे के इनकम टैक्स का मार्क्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। लीजिए सर, बन गया सर हमारा फॉर्मूला, राइट। और आपको पता ही है कि सर अगर मैं सब्जेक्ट को भी डायनेमिक बनाना चाहता हूँ तो मैं दो एक्स लुकअप के फॉर्मूलेज यूज़ कर सकता हूँ और सर आगे बढ़ सकता हूँ, राइट। लीजिए, ये थी सर आपकी एक्स लुकअप की काफ़ी बेसिक की वीडियो। इसके बाद सर एक्स लुकअप पे और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए सर आपको हमारे एक्सेल क्लब में आना पड़ेगा, उसका मेंबर बनना पड़ेगा। उसका मेंबर बनना बहुत ही आसान है, Edu91 ऐप पर जाइए और एक्सेल क्लब के मेंबर बन जाइए। अभी उसकी फीस बहुत कम है सर, उसके जैसे कोर्सेज मैंने आपको शुरू में बताया था कि 10-10 हज़ार रुपए के सर मार्केट में मिलते हैं। और यहां पे खासियत ये है कि सर आपको मैं एक बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज में एक्सेल सिखा रहा हूं, जैसे मैं अपने चैनल में करता हूं, और साथ साथ आपको एक डिस्कशन फोरम मिला है जहां पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और लोगों के क्वेश्चन का जवाब भी जो है वो दे सकते हैं। वो फॉरम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो इस तरीके से जो है आप एक्सेल में माहिर बन सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरी बात मानिए, एक्सेल सर पास्ट का भी स्किल था, प्रेजेंट का भी स्किल है और फ्यूचर का भी स्किल है। एटलीस्ट जो बेस लेवल जॉब्स हैं जिसमें सर आपको जो पहली जॉब्स मिलेंगी जहां पे सर आपको बहुत सारे डेटा को क्रंच करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें बहुत काम आएगा। आगे चल के आपको पावर बीआई सीखना पड़ सकता है और एडवांस टूल सीखने पड़ सकते हैं, लेकिन एक्सेल हर किसी का बेस बनेगा, याद रखिएगा। अगर आज की डेट में कोई बोलता है मुझे पावर बीआई सीखना है या मुझे कोई और अच्छा सॉफ्टवेयर सीखना है, तो आपको देखिए अगर उसके एक्सेल के एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होंगे तो उसको बाकी सॉफ्टवेयर जो है आसानी से समझ भी आएंगे और उसको अच्छे से यूज़ भी कर पाएगा। एंड फिर भी मैं बोलूँगा कि एक्सेल की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होती हुई दिख रही मुझे अभी, तो एटलीस्ट अगले 10-15 साल मुझे एक्सेल की इंपॉर्टेंस जो है वो खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। तो जरूर एक्सेल क्लब को ज्वाइन करें और आज ही बन जाए एक्सेल क्लब का मेंबर। Edu91 ऐप डाउनलोड करें या www.edu91.org पे विजिट करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हां, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय, टेक केयर।